देखिए बेटा, अभी इस पार्ट में हमको जो पढ़ना है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आपको जो मेन लास्ट वाला पोर्शन है वो ईथर्स है। तो आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय ईथर्स एंड हाउ ईथर्स आर प्रिपेयर्ड एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स एंड यूजेस ऑफ ईथर्स। इन दैट पार्ट हम यूजेस ऑफ ईथर तक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ईथर्स। देखिए, अल्कोहल और फिनॉल के मुकाबले इस चैप्टर्स में ईथर बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है। तो उसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ईथर देखेंगे। तो ईथर इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी आप क्या करते हो, हाइड्रोकार्बन लेते हो। अब हाइड्रोकार्बन को हम RH, जैसे कि अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन, हम RH से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेते हो या फिर उसमें अल्कोक्सी ग्रुप ऐड करते हो, हाइड्रोजन निकालने के बाद एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं पर एक हाइड्रोजन निकाल के आप एक अल्कोक्सी ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करते हो या एक अरियलॉक्सी ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपको अल्केन से क्या मिलेगा, ईथर। इज इट क्लियर? सो ईथर्स आर नथिंग बट दी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्कोक्सी डेरिवेटिव और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो ईथर इज ए अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और अरिलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है, हम अल्कोहल से भी ईथर मिला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन एटम है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अल्किल या अरिल ग्रुप से। इज इट क्लियर? तो अल्कोहल डेरिवेटिव हाइड्रोजन का, नहीं, हाइड्रोजन वहाँ से निकालने के बाद अल्कोहल से आपको क्या मिल सकता है, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से आपको ईथर मिल सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग ईथर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्कोहल इज ए डेरिवेटिव ऑफ वाटर, डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ वाटर। यानी आपने यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल लिए और दो अल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वाटर से भी आप ईथर बना सकते हो। द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर कैसा है, COC --. सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर। इज इट क्लियर? सो ईथर्स मे बी कंसिडर एज अल्किल ऑक्साइड। तो ईथर को आप अल्किल ऑक्साइड भी बोल सकते हो क्योंकि अल्किल ऑक्साइड्स बराबर है। तो ये अल्किल ऑक्साइड्स है और अरिल ऑक्साइड्स, अगर आप इसमें अरिल बेंजीन रिंग लेते हो तो वो अरिल ऑक्साइड कहलाएगा। तो ईथर्स मे ऑल्सो कंसिडर एज अरिल ऑक्साइड और अल्किल ऑक्साइड। तो ये जो ईथर है बेटा, ये हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ देयर यूजेस। ये ईथर जो है ये हमारे बहुत काम के है। आपको पता है, आप जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखते हो या सोडियम मेटल की रिएक्शन देखते हो अल्किल हैलाइड के साथ, तो वहाँ पे आप एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर ईथर को, ड्राई ईथर को यूज़ करते हो। इज इट क्लियर? तो जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस होती है या फिर सोडियम मेटल की रिएक्शंस होती है, उन सब में एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पर आप ईथर को यूज़ करते हो। तो ईथर हमारे ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस में बहुत ही काम का सॉल्वेंट के तौर पर काम में आने वाला कंपाउंड है। तो उसके बाद उसके अनदर यूजेस है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट, गम्स, रेजिन वगैरह वगैरह, इनको बनाने के काम में भी हमारे को एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर हम ईथर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोडियम मेटल्स वगैरह वगैरह। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट के तौर पर इसको हम यूज़ करते हैं। और लास्ट उसका यूज़ है अ मिक्सचर ऑफ डाई इथिल ईथर। इज इट क्लियर? अ मिक्सचर ऑफ डाई इथिल ईथर एंड इथिल अल्कोहल, डाई इथिल ईथर एंड इथिल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज नेटालाइट। देखो, नेटालाइट ये पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय नेटालाइट। नेटालाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इथिल ईथर प्लस इथिल अल्कोहल। तो देखो, डाई इथिल ईथर और इथिल अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है दैट इज़ नोन एज नेटालाइट। अभी नेटालाइट कहाँ पे यूज़ होता है पता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, दैट इज़ नथिंग बट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। अभी की जो एग्ज़ाम हुई थी स्टेट बोर्ड की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ मीन बाय नेटालाइट।
सो नेटालाइट इट इज नथिंग बट डी मिक्सचर ऑफ डाईथिल ईथर प्लस इथिल अल्कोहल इज नोन एज नेटालाइट एंड इट इज यूज एज अ फ्यूएल एट इज दैट इज नथिंग बट डी सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल. इज इट क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल के तौर पर आप नेटालाइट को यूज करते हो और उसमें डाईथिल ईथर एज अ मिक्सड ईथर सिंपल ईथर के साथ आप इथिल अल्कोहल की रिएक्शन करते हो तो जो मिक्सचर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज नेटालाइट. इज इट क्लियर? सो देयरफॉर वी हैव टू स्टडी ईथर है ना वेरी सीरियसली. तो ईथर के यूजेस बहुत अच्छे हैं इसीलिए हम ईथर को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि ईथर्स आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. सो ईथर को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, हम एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि C2H5OH और ईथर का हम एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं CH3OCH3 डायमिथिल ईथर. अब अगर हम दोनों का फंक्शनल मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं, जनरल मॉलिकुलर फार्मूला देखते हैं तो वो आ जाएगा C2H6O. इज इट क्लियर? तो दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सेम है पर दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है. एक इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और एक इसमें ROR ईथर ग्रुप है. सो ईथर्स मे बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. सो ईथर्स आर दी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिंस बोथ हैव सेम जनरल मॉलिकुलर फार्मूला CnH2n+2O. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन सिमेट्रिकल ईथर एंड नंबर टू अनसिमेट्रिकल ईथर. तो सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या फ़र्क है? आप देखते हो ईथर का जो फार्मूला है वो ROR है और उसमें दोनों R अगर सेम है, सेम अल्किल ग्रुप है तो हम ऐसे ईथर को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल ईथर. और दोनों ROR में दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो हम ऐसे वक्त हम उसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर. इज इट क्लियर? तो दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम होते हैं ईथर में तो वो सिमेट्रिकल ईथर में आएगा और अगर दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो वो अनसिमेट्रिकल ईथर में आएगा. तो सिमेट्रिकल ईथर आर ऑल्सो नोन एज सिंपल ईथर एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर इज नोन एज मिक्स्ड ईथर. सिमेट्रिकल ईथर का अगर आप एग्जाम्पल लेने जाओगे तो क्या आ जाएगा? डायमिथिल ईथर CH3OCH3 इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर. वाइल एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर इथिल मिथिल ईथर C2H5OCH3 दैट इज नथिंग बट इथिल मिथिल ईथर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड ईथर. इज इट क्लियर? समझा आपको यहाँ तक? उसके बाद हम देखेंगे वेन ईथर्स हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, यानी ऐसे ईथर्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट different arrangement of alkyl groups around the oxygen atom, then they are known as metamers. ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इथर को metamers बोलेंगे. जैसे कि and phenomenon that produce the metamer is known as metamerism. और उसको हम phenomenon को क्या बोलेंगे? metamerism. तो उसको हम explain करते हैं कि ये कैसे बनाते हैं metamers. तो देखते हैं, एक general molecular formula लेते हैं, उसमें दिया है C4H10O. तो आप अगर इस मॉलिकुलर फार्मूला को लेते हो तो आपको मेटामर्स कैसे कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला मेटामर्स आपको मिलेगा डाईइथिल ईथर, बराबर है? आप इसको क्या लिख सकते हो? डाईइथिल ईथर मीन्स C2H5-O C2H5. इज इट क्लियर? ये भी इससे बनेगा, ठीक है. फिर इससे और एक बनेगा, कौन सा? मिथिल एन प्रोपिल ईथर, मिथिल एन प्रोपिल ईथर, जैसे CH3O-CH2-CH2-CH3. इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा? मिथिल एन प्रोपिल ईथर. तो ये क्या हो गया? डाईइथिल ईथर. ये क्या हो गया? मिथिल एन प्रोपिल ईथर. इज इट क्लियर? और इससे हम तीसरा क्या बना सकते हैं? हम ऐसा भी बना सकते हैं इसको CH3-O, कैसे?
CH3, CH2, CH3, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CH3 दे सकते हैं, आइसो बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो CH3O CH2 CH3 CH3, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल मिथिल, आइसोप्रोपिल मिथिल ईथर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों का जनरल मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C4H10O। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन के अराउंड में अल्किल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच है, दिख रहे, तो इसका मतलब है कि ये सभी क्या है, मेटामर्स है, और दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म। सो ईथर्स आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, देन वेन दे हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, अगर सेम मॉलिकुलर फार्मूला है तो ऐसे ईथर्स क्या करेंगे बेटा, मेटामर्स प्रोड्यूस करेंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। इज इट क्लियर, समझा आपको यहाँ पे, तो यहाँ आपने ईथर का मेटामेरिज्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये देखा। उसके बाद ईथर्स ऑल्सो एग्जिबिट द चैन एंड फंक्शनल आइसोमर्स, ईथर्स चैन आइसोमर्स भी बना सकते हैं और फंक्शनल आइसोमर भी बना सकते हैं, आपको पता है, बिकॉज ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और वैसे ही ईथर्स चैन आइसोमर भी बनाते हैं, मैंने अभी इसके पहले एक एग्जांपल लिया था, CH3-O CH2 CH2 CH3, ये क्या हो गया, मिथिल यन प्रोपिल ईथर, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये स्ट्रेट चेन में बेटा, तो अब इसको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, CH3-CH3, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपिल, बराबर है, मीन्स आइसोप्रोपिल ईथर, इज इट क्लियर, तो मिथिल एन प्रोपिल ईथर और आइसोप्रोपिल ईथर, तो ये दोनों क्या है, चैन आइसोमर है, क्योंकि दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, पर डिफरेंट चेन है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे क्या है, ब्रांच चेन है, तो ये क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। तो इसका मतलब है ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और सो ईथर्स आर शोइंग चेन आइसोमरिज्म, सो वी हैव टू से दैट ईथर्स एग्जिबिट चेन एंड फंक्शनल आइसोमर बोथ, इज इट क्लियर। उसके बाद हम अभी देखेंगे व्हाट इज मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज नथिंग बट दी सम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ईथर बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट। सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आपको क्या करना है, ईथर को बनाना है, तो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज नोन एज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा के बता देता हूँ, फिर आप उसके नाम के बारे में भी देखेंगे उसको और हम क्या कहते हैं, और उस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वॉट इज मीन बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो दैट दिस इज द वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इन दैट ईथर वी हैव टू यूज अल्कोहल फॉर प्रोड्यूस ईथर, तो सबसे पहले हम अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को हम कैसे दिखाते हैं बेटा, अल्कोहल को हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल C2H5OH, दैट इज नथिंग बट डी इथेनॉल और इथिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, मैं ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये इथिल अल्कोहल, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन होंगी और यहाँ पे सबसे पहले वाटर निकल के क्या बनेगा, C2H5-OSO3H इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बनेगा, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, देन दैट इथिल हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर रिएक्ट विथ इथेनॉल C2H5OH, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ OH और C2H5, इज इट क्लियर, दैट इज ऑल्सो इथेनॉल, तो फिर से यहाँ से वाटर निकलेगा,
इज इट क्लियर? और ये जो ग्रुप है, सॉरी वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा? अभी यहाँ पे देखिए C2H5O SO3H था, और यहाँ पे क्या लिया आपने? C2H5OH, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? C2H5OH प्लस HO, HSO3H, SO3H। तो आपने क्या किया? सबसे पहले C2H5OH प्लस H मिला के क्या निकाला? वाटर निकाला। आपने इसको हीट किया था तो यहाँ से वाटर निकला और C2H5OSO3H हो गया, बराबर है? तो ये हो गया आपका इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर आपने इसकी फर्दर रिएक्शन किया इथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH, बराबर है? अब क्या हो जाएगा? ये जो C2H5 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ? इसके साथ, C2H5O के साथ C2H5 जुड़ जाएगा। और आपका ये जो है OH और वो SO3, बराबर है, ये जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? इसके बाद ये जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होंगी C2H5। अब ये जो O है उसके साथ आप क्या करो? C2H5, यानी ये क्या हो गया आपका? डाई इथिल ईथर प्लस आपको क्या मिला? यहाँ पे जो SO3H और OH, दैट इज़ नथिंग बट डी H2SO4। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिएक्शन की शुरुआत भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से की थी और लास्ट में भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिला है डाई इथिल ईथर के साथ। यानी यहाँ पे आपने अल्कोहल से ईथर तो बना लिया, पर आपने जो स्टार्टिंग इथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए ईथर में आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लिया था वो रीजनरेट हो गया। तो रीजनरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डन विद दैट रिएक्शन, मीन्स नथिंग बट इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन गिव्स अगेन सल्फ्यूरिक एसिड। सो हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कंटिन्यूस इथरीफिकेशन रिएक्शन। क्या मतलब है कंटिन्यूस इथरीफिकेशन रिएक्शन का? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी H2SO4 उस रिएक्शन में रहेगा, फिर आपको क्या इंस्टॉल करना है? सिर्फ इथेनॉल इस रिएक्शन में फिर से डालना है, तो आपको कंटिन्यू डाइइथिल ईथर का प्रोडक्शन मिलते जाएगा। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू कर पाओगे। देयरफॉर फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दैट इज नथिंग बट इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस इथरीफिकेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? वाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस इथरीफिकेशन रिएक्शन? बिकॉज दिस रिएक्शन अगेन प्रोड्यूस H2SO4 when we add some quantity of ethanol, again that reaction also continued. So this reaction is continuous ethereification reaction. But ये reaction जो होती है ना बेटा, वो होती है 413 केल्विन पे, 413 केल्विन पे reactions होती है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, only primary alcohol gives ether, समझे क्या? नहीं, यहाँ पे देखो जो ethanol है ना, ये आपका primary alcohol है। तो आप देख सकते हो कि ये इथेनॉल जो है यही आपको ईथर दे रहा है, बराबर है? तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो या टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको अल्किन। क्या मिलेगा बेटा? अल्किन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूस इथरीफिकेशन प्रोसेस और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो जब हम अल्कोहल से ईथर मिलाने जाएंगे तो याद रखना है आपको कि प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ईथर वाइल सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गिव्स अल्किन, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट डी 453 केल्विन। इज इट क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं अल्कोहल से ROS से आप क्या कर सकते हो? दो अलग अलग प्रकार का ईथर बना सकते हो, R-O ROR और RO अल्किन बनेगा यहाँ पे। तो अल्कोहल कब बनेगा और अल्किन कब बनेगा? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? 453 केल्विन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, पर कैसे? 453 पे आपको क्या मिलेगा? अल्किन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है? तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? ये अल्किन मिला है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ईथर। तो आप इसको ऐसे दिखाइए CC, ठीक है?
तो ये ईथर मिलता है 413 केल्विन पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अल्कोहल से आप एट 413 केल्विन पे जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो तो अल्कोहल आपको क्या देगा, ईथर, बराबर है। पर अगर आप 453 केल्विन पे रिएक्शन देते हो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, अल्किन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड MHT CET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूस इथरीफिकेशन, अगर आपको समझ गया है तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्किल हलाइड, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्किल हलाइड। तो अल्किल हलाइड के द्वारा आपको क्या करना है बेटा, ईथर बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको अल्किल हलाइड कैसे लिखते हैं पता है, RX कैसे लिखते हैं, R-X प्लस आपको क्या करना है, अल्किल हलाइड से बनाना है। तो आप इसको किसके साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम अल्कोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज रोना, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ आप इसको रिएक्ट करोगे। और जब आप इसकी रिएक्शन अल्किल हलाइड के साथ सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करोगे, ये जो हैलोजन है ये सोडियम के साथ निकल जाएगा और ROR मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दिस रिएक्शन गिव्स ROR- ईथर प्लस सोडियम हलाइड। सो फ्रॉम अल्किल हलाइड यू हैव टू ऑल्सो ऑब्टेन ईथर, इज इट क्लियर। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में आप दोनों प्रकार का ईथर मिला सकते हो, मिक्स्ड एज वेल एज सिंपल। पर आप कंटिन्यूस इथरीफिकेशन में सिर्फ सिंपल ईथर मिला सकते थे, समझे क्या। तो कंटिन्यूस इथरीफिकेशन यूज ओनली सिंपल ईथर, दैट इज नथिंग बट सिमेट्रिकल ईथर। और बट विलियमसन सिंथेसिस गिव्स बोथ टाइप्स ऑफ ईथर, सिंपल ईथर एज वेल एज मिक्स्ड ईथर, इज इट क्लियर। तो उसके बाद हम थर्ड प्रिपरेशन देखेंगे ईथर कैसे बनाते हैं करके। तो हम फिनॉल की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, बराबर है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी रिएक्शन। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं तो आपको पहले सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और सोडियम फिनॉक्साइड को आप अगर मिथिल आयोडाइड के साथ, बराबर है, मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो सोडियम फिनॉक्साइड को, तब जाके आपको मिलता है एनिजोल, दैट इज नथिंग बट डी ईथर, इज इट क्लियर। तो दिस इज द ईथर, तो इसमें एनिजोल बोल रहे हो आप। तो एनिजोल ये कैसे मिला आपको, फिनॉल की रिएक्शन आपने पहले NaOH के साथ किया, आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिला, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर रिएक्ट विथ मिथिल आयोडाइड गिव्स एनिजोल, इज इट क्लियर, दैट इज नथिंग बट डी ईथर, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर है फ्रॉम अल्कोहल एंड डाइजोमिथेन, ठीक है। तो अल्कोहल और डाइजोमिथेन से आप क्या कर रहे हो, ईथर बना रहे हो। ध्यान रखना है आपको अल्कोहल का OH निकाल के आपको क्या करना है, उसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है। तो दिस इज द मिथिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिथिलेशन रिएक्शन, यानी आप अल्कोहल में से OH फंक्शनल ग्रुप निकाल के उसमें अल्कोक्सी ग्रुप को डायरेक्टली एंटर कर रहे हो, तो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज मिथिलेशन रिएक्शन। एंड दैट रिएक्शन इज नथिंग बट डी व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ क्या, डाइजोमिथेन, बराबर है। या डाइजोमिथेन से आप अल्कोहल की रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रो फ्यूरोबोरिक एसिड व्हेन हीटेड गिव्स ईथर प्लस नाइट्रोजन गैस। दिस इज द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द ईथर। बट लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड इज दैट दिस रिएक्शन ओनली प्रोड्यूस्ड मिथिल ईथर, इज इट क्लियर। मीन्स ये रिएक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मिथिल ईथर देंगी, तो ये लिमिटेशन है बेटा, नहीं तो ये रिएक्शन बहुत सुटेबल मेथड है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ईथर बहुत आसानी से मिला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन गैस है, वो एस्केप हो जाती है और आपको पूरा प्योर फॉर्म में ईथर मिल सकता है। पर यहाँ पे एक लिमिटेशन ऐसी है कि जो रिएक्शन हो रही है अल्कोहल और डाइजोमिथेन की, वो सिर्फ आपको मिथिल ईथर दे रही है, समझे क्या। तो वो सिर्फ आपको मिथिल ईथर दे रही है, इसीलिए एक ही टाइप का ईथर आपको मिल रहा है मिथिल ईथर। सो दिस रिएक्शन हैज सर्टन लिमिटेशंस, इज इट क्लियर। तो ये हो गया प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे बेटा हमने आज पढ़े व्हाट इज मीन बाय ईथर, ईथर कैसे बनाते हैं, डेफिनेशंस ऑफ ईथर सब पढ़ लिए हमने, उसके बाद यूजेस ऑफ ईथर हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने प्रिपरेशंस ऑफ ईथर पढ़ा। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसके अगले पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ने वाले हैं, और सम नोट्स ऑन
क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज मीन बाय क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं।